स्कूली बच्चों को हरी झंडी दिखाकर रैली का आयोजन किया गया। रिपोर्ट सत्येंद्र तिवारी, जिला मैनपुरी से। मैनपुरी बरनाहल विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुगलपुर में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्राथमिक विद्यालय मुगलपुर पर एडीओ पंचायत अरुण पांडे के नेतृत्व में स्कूली बच्चों की रैली निकाली गई। इस मौके पर राजवीर सिंह सचिव, पंकज यादव सचिव, दुर्गेश यादव ग्राम प्रधान, रामवीर सिंह शिक्षक, राघवेंद्र ब्लॉक स्तर से आई महिलाओं की टीम, ज्योति, मोहिनी, सोनी, नीलम, दुर्गेश ने पूरे गांव की महिलाओं को शौच क्रिया के बारे में अवगत कराया और घर में बने शौचालय में शौच क्रिया करने को कहा और गांव के बाहर गंदगी न करें। विद्यालय से लेकर पूरे गांव में आज सफाई का विशेष ध्यान दिया गया और गांव की गलियों की सफाई की गई। विद्यालय की गंदगी को देखकर एडीओ पंचायत ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक शशांक यादव की जमकर लगाई फटकार। विद्यालय की सफाई के बारे में विशेष ध्यान रखें को कहा और स्कूली बच्चों को बिस्कुट और टॉफी का वितरण किया गया। इस दौरान वीर बहादुर, अनुज, शिव कुमार, विक्रम, धर्मवीर, सुनील, प्रमोद कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। गांव की गली गली में स्वच्छता के नारे गूंजे। घर में बहु बेटियां घर से बाहर शौच के लिए न जाएं। मुगलपुर गांव में शौचालय का 80% निर्माण कार्य किया जा चुका है और शेष काम जल्द ही पूरा कराने का आश्वासन ग्राम प्रधान और सचिव ने ग्रामीणों को दिया। एडीओ पंचायत ने ग्राम प्रधान को निर्देश दिया कि जो लोग सूची से छूट गए हैं उनकी सूची जल्द ही तैयार की जाए जिससे ग्रामीणों को लाभ मिल सके। नाम है रामवीर सिंह प्रधान, मुगलपुर। अच्छा, जो आपके गांव में आज स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो रैली निकाली गई है उसमें आपका क्या विशेष योगदान रहा? पूरा सहयोग रहा है उसमें। मेरे खाते में 128 का पैसा आया था, मैंने 128 में 106 बनवा दिए हैं, 2 बाकी हैं जो, और वो भी बन जाएंगे, उनके दरवाजे पे ईंट पड़ी है। तो इसका मतलब जाएगा आपका गांव का पैसा लाभार्थियों के खाते में गया है, 3 का पैसा शेष बचा है वो अभी आया नहीं है। तो आपका गांव स्वच्छ भारत मिशन अंदर कम्प्लीट हो गया? कम्प्लीट हो गया। और कोई समस्या गाँव के अंदर? कोई समस्या नहीं। सफाई कर्मी आता है गांव में? बिल्कुल आता है, डेली आता है, सफाई वगैरह कर रहा है। 223 का लक्ष्य था, जब लगभग लक्ष्य हमारा पूरा होने के लिए कम्प्लीट ही है। अब जो भी वंचित रह गए होंगे, जो परिवार जो हमारे यहाँ बेस लाइन से कम है इस गांव पंचायत की, उनको 25 सूची बतानी आप तैयार कराएंगे, उसमें उनका नाम दे, मतलब पूरा हमारा ग्राम पंचायत मुगलपुर शौचालय मतलब बाहर शौच मुक्त बिल्कुल मुक्त हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, ग्राम पंचायत मुगलपुर आज शौच मुक्त भारत अभियान में आता है? हाँ बिल्कुल, 13% पे आपका 90% का तो है ही, कुछ थोड़ा बहुत जो कमियां है वो वंचित सूची से पूरी हो जाएगा, मतलब लगभग पूरा गांव सचेत हो जाएगा और जो परिवार रहे हुए हैं उनको वंचित में नाम लेकर उनके शौचालय।